आज भैया पियाजी के ब्रांड एम्बेसडर का इनॉग्रेशन है पटना, चलिए आप देखते हैं कि उसी का एक फंक्शन है तो और कौन से लोग लगे पियाजी ब्रांड एम्बेसडर बने तो पियाजी वहाँ पे आज से आप लोग की बुकिंग स्टार्ट होगी तो स्टार्ट कीजिए। और एक फैन फॉलोइंग भी स्टार्ट होने वाला है, फैन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है तो उसके लिए भैया का एक बाइट भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा तो उसके लिए भी रेडी हो जाइए। सर इस बार मैंने तीन नाम सेलेक्ट किए हैं तो सबसे पहले मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगी मिस्टर अभय विश्वकर्मा जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। इन द बैकग्राउंड लेना अच्छा रहेगा। अब आपके बीच बुलाना चाहूंगी मिस्टर आकाश कुमार जी। सो खेसारी भैया से मिलने का एक अच्छा मौका मिलने वाला आप लोगों को पियाजियो की तरफ से, जिसमें आप लोगों को जहां भी आप रहेंगे वहां से आप लोगों को लाना, वहां पे रखना, भैया से मिलाना, ये सारा का सारा पियाजियो आप ही करेगा। सो आप लोग इसके लिए एक भैया का बाइट भी ऑफिस में आने वाला है, आप लोग रेडी रहिएगा उसके लिए। तो सर मैं खेसारी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आकाश जी का बर्थडे तो एक हैप्पी बर्थडे वाला गाना होना चाहिए। हम तो अपने गाना गाए नहीं है हैप्पी बर्थडे वाला, सर खुद से खुद से बनाना पड़ेगा ना। बना दूंगा कि कौन टाइम लगे। अच्छा ये पियाजियो का है प्रयास जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो सर आप आज से मैं पूछना चाहूंगी कि आज बर्थडे पर मेरे को क्या गिफ्ट दे रहे हैं आप? ये इतना बड़ा गिफ्ट है, यहाँ पे एक्चुअली इवेंट चल रहा है, ये तो एक्चुअली गिफ्ट मेरे लिए है कि आज के दिन मैं यहाँ पहुंचा। तो सर अपने बर्थडे पे सभी लोगों से क्या खास कहना चाहिए, क्योंकि बर्थडे के दिन सब लोग सबकी बात मानते हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनको आप पियाजियो से रिलेटेड कुछ ऐसा बोले जिसको मानने पे वो बिल्कुल मजबूर हो जाए, खुशी खुशी माने, तो ऐसा कुछ मैसेज आप लोगों को दे। मेरे हिसाब से आज जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ये जो प्रोडक्ट जो हमारा लॉन्च है, आई होप कि ये सबसे अच्छा अपने बिहार झारखंड हर जगह करे ताकि हमारे सेल्स में इम्प्रूवमेंट आए और हम मैक्सिमम सेल्स करके इसका प्रॉफिट कमा सकें। तो ये देखिए ये है टेम्पो, तो जितने लोग टेम्पो चला रहे हैं ये वाला खरीदना है और खरीद के भैया से मिलना भी है, उसकी तैयारी कर लीजिए आप लोग पियाजी वहाँ पे। तो आप किस काम में सबसे अच्छे हैं, मतलब डांस अच्छा करते हैं, गाना अच्छा गाते हैं, शायरी अच्छी बोलते हैं या डायलॉग अच्छा बोलते हैं? डांस है या डायलॉग है, शायरी इसमें दोनों ही है। ये बिजनेस अच्छा करते हैं, बिजनेस अच्छा करते हैं। पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैंने ऐसा सुना है कि जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो सर पे बाल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बीवी ने फेरा है। सर पे बीवी के फेरने से कुछ नहीं आता, बीवी तो बहुत सेट होगी, लेकिन जब गर्लफ्रेंड, सुनिए सर, जब गर्लफ्रेंड सर पे हाथ फेरती है महिला मित्र, तो सर के बाल धीरे धीरे चले जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफी सारी महिला मित्र रही हैं आपकी। तो सर ज्यादा कुछ नहीं, सवाल बहुत आसान है, आपको नंबर बताना है कि कितनी और दो चार का नाम बता दें तो और अच्छा लगेगा। कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा प्लीज, सर बता दीजिए प्लीज। बिजनेस टिप्स ही लोगों को दे दीजिए, मतलब ऐसी चीज जिससे वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमारे जीएम पियाजियो के, तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो इन्हीं को ढूंढिएगा, इनसे भी मिली, ये भी डिस्काउंट, मतलब ये लोग चेहरा याद कर लिए स्क्रीनशॉट लेके। यही हमको लेकर आया है पियाजियो परिवार में।
और सर्विस बहुत मांगे बिहार के अंदर मेरे से मिल सकते हैं। अगर जो सर्विस अच्छा करते हैं बिहार ये लीड करते हैं रीजन वाइज। तो प्रिया जी आप जब खरीदें आपका नाम बता दीजिए। नाम प्रवीण कुमार सिंह है। तो प्रवीण सिंह है बस मेरे मामा का भी नाम है तो इनसे जरूर डिस्काउंट लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उमेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आप भोजपुरी फिल्में देखते कहाँ से आए हैं? पहले तो अच्छा झारखंड से आए तो झारखंड में भोजपुरी बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो आपने कोई भोजपुरी फिल्म देखी है? अच्छा तो मैं चाहूंगी हिंदी गाना गा के आप सुना दे लोगों को। कोई नहीं भागी वैसे वो जो मेन गेट है वहाँ बहुत सारे बाउंसर खड़े हैं। मैं नहीं चाहता खत्म हो गया। अरे ऐसा नहीं है ये तो प्यार की भाषा है। प्रोग्राम के हम आपको बुला रहे हैं भाई हैं। एक बजे तक का है अपना जैसा जानना चाहते हैं उनके नाम में खिसारी ये बताया कई बार बताया। एक्चुअली हमारे यहाँ खिसारी का दाल होता है जो हमारे बिहार के होते हैं उसको खाने से पेट खराब हो जाता है और वो ऐसा अन्न है कि आप उसको कहीं भी छेद दीजिए कहीं भी डाल दीजिए तो वो अपना काम कर जाता है। हम यही आंसर जानना चाहते थे कहीं पर छेद दीजिए कहीं पर जन्म ले ले कहीं पर उपज उपज बहुत हो जाए। हमारे पियाजी के साथ आप जुड़े हैं हर कण कण में याद है। बिल्कुल है। मैं बहुत ही बड़ी बात कर मेरी कोशिश मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी कोशिश यही है कि मैं हर स्टेज से लेकर चाहे वो जो भी विधा हो हम जहाँ भी जाएं मेरी कोशिश रहेगी कि प्याजी हो अगर खेसारी वहाँ है तो प्याजी हो वहाँ रहेगा। सर बिजनेस का ये और भी जैसे सर कुछ बोले कि अभय जैसे कि बिजनेस का क्या ये है हम हर डीलर से यही जानना चाहते हैं चाहे किसी से जो मन में बैठा ले जिस प्रोडक्ट कि हमको जिंदगी में इसको सफल बनाना है चाहे अपने आप को सफल बनाना है उस दिन उस प्रोडक्ट की वारने आर हो जाते हैं सब ऊपर चले जाते हैं। हम मन में बैठा लें तो हम लोग इसको निभा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मेरे रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग प्लीज बैठ जाए। हैप्पी मैरिज। सो थैंक यू सो मच। अब कुछ और नाम मैंने सेलेक्ट किए थे तो आखिरी तीन नाम तो उनमें से सबसे पहले मैं मंच में बुलाना चाहूंगी मिस्टर संदीप शुक्ला जी फ्रॉम अलाहाबाद अलाहाबाद प्रयागराज से हमारे बीच मिस्टर संदीप शुक्ला जी। उनके बाद में बुलाना चाहूंगी मिस्टर संजय कुमार जी। बताइए पियाजी आप पियाजी आप के बारे में बताइए क्या कर रहे हैं हमें हम लेंगे चलाएंगे चलवाएंगे डिस्काउंट भी बोल दिए प्रवीण जी हैं डिस्काउंट भी देंगे। हाँ वो भी अच्छा है। मॉडल कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना बहुत तगड़ा और इसके सारी भैया जुड़े हैं तो अब क्या कहना है। अब अखिलेश कश्यप बोल दिया हमारा कहर इस पे गाना बनाना है। अरे यार ये आदमी आ जाए बिजनेस कर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दीपक सबसे पहले मुझसे सवाल पूछे तो सर मैं चाहूंगी कि मैं आपसे सवाल ना पूछूं बल्कि आपके मन में जो भी है वो आप खेसारी जी से पूछे जो भी चीज आप उनसे पूछना चाहते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं। जरूर जरूर। मेरा सौभाग्य है सबसे पहले और सब लोगों का प्यार आशीर्वाद कि मैं यहाँ आया हूँ बहुत आभार। मैं धनबाद से हूँ दीपक चटर्जी मैं प्याजू का डीलर हूँ। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्याजू जो है सिर्फ एक नाम नहीं है ये हम लोग के यहाँ झारखंड धनबाद में जीने का तरीका है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना इट इज नॉट अ वर्ड द वे ऑफ लाइफ। प्याजू का महत्व क्या है उससे पूछिए जिसकी कोविड में तबियत खराब हुई थी एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था उससे पूछिए जिसके घर रात में कोई बच्चा रोता है हॉस्पिटल जाना होता है उससे पूछिए जो दिन भर कमा के प्याजू में लाता है उससे पूछिए जिसको जीने के लिए कोई नौकरी जॉब पूरे हिन्दुस्तान में जब कहीं नहीं मिला तो प्याजू ने उसे काम दिया धनबाद झारखंड में। मैं इतने सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जिन लोगों के पास कोई नौकरी कोई रोजगार पूरे भारतवर्ष में नहीं है वो 10,000 किश्ती जमा करके अपना घर चलाता है ये प्याजू की कमाई है। सर मैं उससे जुड़ा हुआ हूं ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोगों सभी डीलरों का प्रयास रहेगा कि प्याजू हमेशा की तरह पूरे भारत में नंबर वन रहे। शुक्रिया। थैंक यू। तो प्याजू के लिए मैं कुछ मेरी चंद सबसे चुनिंदा लाइनें जो दिल के बहुत करीब हैं अखिलेश कश्यप वो लाइनें मैं प्याजू के लिए रखना चाहूंगी। हम सभी के प्रिय हैं लेकिन हमारे प्रिय नहीं है हमसे दुश्मनी चलता है।
तो ये लाइनें वैसे रॉबर्ट शॉ झगड़ा चलता है हमेशा इंग्लिश क्वार्टर के झगड़ा करने थोड़ी है कि नहीं, लेकिन हमारे जो भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा उनकी स्पीच में यूज की गई है इसका अनुवाद, यानी हिंदी अनुवाद। तो एक हिंदी अनुवाद जो है क्या पहुंचेगा आपके दिल तक, पहुंचेगा रखना चाहूंगी कि गहन सघन मनमोहक वंदरु मुझको आज बुलाते हैं किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम पदा या मुक्त नियंत्रण चलना है, अभी तो मीलो मुझको चलना है। बस जोर लव यू टू भाई। एक बात और कहना चाहूंगा मैनेजर साहब, मैनेजर साहब के सारे घर साफ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा है, उसके लिए कुछ शेयरिंग इधर का भी रहे, कुछ सपोर्ट सर का भी रहे। और हर मैं सबसे पहले मैं आश्वासन देता हूं कि जब सर लोग कहेंगे, हमारे आरएम सर कहेंगे, जेडएम सर कहेंगे, धनबाद में मैं पहला प्रोग्राम इनका कराऊंगा। क्या बात है सर, ये भी कह दीजिए कि मुझे बुलाएंगे तो अपने फायदे के लिए अंदर भी बिजनेस कर लें। आप बिहार से झारखंड से, तो मैं झारखंड से बोलूँ बिहार से सर आएंगे जरूर बुला। थोड़ा सा टिकट का प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल हम इसी से भेज देंगे आपको, वहां इसी से भेज दीजिए, मुझे और अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच दो और सर हैं, तो अब आप दोनों में से किन से पहले सवाल पूछूं आपसे? आप तो सर बहुत स्मार्ट है, क्या राज है आपकी स्मार्टनेस? थैंक यू, थैंक यू सर। राज बता दीजिए, यही आपका सवाल है। सर प्याजियो कैसे राज है? मैडम यही है रोजी रोटी, यही है स्मार्टनेस। प्याजियो अच्छा, मेरे पास मेरे पास से उनसे ज्यादा स्मार्ट है। क्या खरीदते हैं आप, क्या ऐसा लगाते हैं कि आप इतने सुंदर हैं? जो भी आपका मनोकामना होगा वो सब पूरा हो जाएगा अगर आप प्याजियो फैमिली से जुड़े हैं। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, सर ने राज नहीं बताया, सबको लग रहा है सब लोग स्मार्ट हो जाएंगे मेरे जितने। नहीं, इसके लिए आज हमारे बैठे हुए हैं सर आकर के पुणे से, आप सर से पूछेंगे तो ज्यादा डिटेल बता पाएंगे। वैसे तो हम यही बोलेंगे हमारा राज जो है कि आपके सामने ही है, तो हम आपको भी बोलेंगे कि आज अच्छा मौका है और सही समय भी है, देख करके आप भी जुड़े इससे। बिल्कुल, तो सर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, डस्ट से मस होने वाला नहीं है। सर के लिए एक बार जोर डाल लिया जाए, थैंक यू सर। छोटी सी कहानी हम बताना चाहेंगे। पहले तो आज थैंक यू सो मच खेसारी सर को, और मैं बताऊंगा आज सर राष्ट्र मेजर हुए हैं तो आज ये नहीं, ये 2 साल पहले ही। और सर जब भी किसी से जुड़ते हैं बहुत जमीनी से जानकारी लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा 2 साल पहले, सर को पता नहीं याद है या नहीं है कि 2 साल करीब 1.5 साल पहले प्रयागराज में सर की शूटिंग थी और हमारे डीलरशिप पे ही, तो सर का मन तो तभी ये प्याजों से जुड़ गए थे झूसी में कटका में, और सर हमारे शोरूम पर भी आए थे, अंदर आए हुए थे, बैठे वहां पे, 2 मिनट का शूट था और मुझे लगता है उसी समय काफी जानकारी भी लिए थे। और सर की एक बहुत अच्छी खास बात है, उस समय करीब नहीं तो 2-4 कस्टमर हमारे प्याजों कैसे थे जो सर के साथ काम भी किए थे, तो मुझे तभी लगा था कि आज नहीं कल सर प्याजों से जुड़ेंगे। आज हमारी सौभाग्य है कि सर आज हमारे फैमिली का मेंबर भी हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। लास्ट क्वेश्चन है और टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए किसी और को नहीं बुला पाएंगे। तो सर आपसे मेरा सवाल ये है कि आप प्याजों से कितने, सर आपसे ये सवाल मेरा कि प्याजों से आप कितने सालों से जुड़े हैं और जितने सालों से जुड़े उनमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, जेन्युइनली जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा मैं चाहूंगी कि आप पब्लिक से शेयर करें। 2012 प्याजो सफर बहुत ही अच्छा रहा और काफी गाड़ियां बेची है मैंने शहर में, और अपना जो शहर है अपने शहर में किसी को पटकने भी नहीं दिया दूसरे ब्रांड। वाह वाह वाह, एक बार मैं फिर से चाहूंगी लास्ट हमारे टाइटल ट्रैक को प्ले कर दिया जाए और ग्रुप में आप लोग तीनों जुड़े और क्या टाइटल ट्रैक को रेडी रखा जाए। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी सभी लोगों की ओर से, कमान टाइटल ट्रैक प्लीज।
केसरी जी हमारे साथ है। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट अवर सीएमडी मिस्टर ग्राफी टू कम ऑन द स्टेज। वी हैव द फोटोग्राफर रेडी। अभी के आप कौन ले मिस्टर तो सर कैन वी हैव द फोटोग्राफर रेडी। प्रयास न्यूज के मालिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल द डीलर्स फ्रॉम हु हैव कम फ्रॉम फार अवे वेस्ट बंगाल ओडिशा नॉर्थ ईस्ट एंड यूपी ईस्ट इफ कैन काइंडली कम ऑन द स्टेज फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। आएगा आएगा सर इसको पहले धूल वालों को बुला रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड यूपी ईस्ट अलाहाबाद गोरखपुर आइए चौगा सबके लिए आए हैं। उड़ीसा ऑल इंडिया ये वाला पार्ट है ना भाई ईस्टर्न पार्ट। हाँ बिल्कुल है। चमचा है हार्ड लेवल वाला अखिलेश का जब मेरा है चमचा ग्रुप का और चमचा ग्रुप का जब भी लेमन ट्री आए इस आदमी से मिलिए कृष्णा भैया से। हाँ। और अगर ये डिस्काउंट ना दे खेसारी भैया को बताइएगा इस बारे में। हाँ। बोलिए डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट आप लेमन ट्री में आइए और खेसारी भैया के तीसरा शायद। हाँ तीसरा उनका नाम लेके कोई आएगा तो डिस्काउंट मिलेगा। और हम लोग के सिक्योरिटी हेड से मिलिए हमारे अखिलेश बागा जो हमारे चमचा भी है। हमको तो यार चमचा हो गया हमारे चमचे प्यार से चमचा बोलते ठीक है। चलिए पियाजी वापे का इवेंट आज खत्म हुआ। भैया ब्रांड एम्बेसडर बने और आप सारे फैंस के लिए बहुत अच्छा स्कीम अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो ये देखिए कौन आया फ्रॉम बिहार लीड न्यूज बहुत सारे हैं। ठाकुर साहब अगर आप दो ग्रुप में आ जाएं ठीक है चलिए थैंक यू।